खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली, व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री। ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है, हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। आप समझ गए हैं, आप समझ गए हैं, तो जो आपने हमसे लर्निंग पूछी, तो हमारी इसकी बार की तीन लर्निंग है, ये भी हम अपफ्रंट एडमिट करते हैं। चुनाव हमें कम से कम 1 महीने पहले खत्म कर देना चाहिए, इतनी गर्मी में नहीं जाना चाहिए। दिस इज वन लर्निंग फॉर अस विच वी वॉन्ट टू कीप फॉर अस। बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत फोर्सेज लगती हैं, बहुत मूवमेंट है, हम इससे समय को कम नहीं कर सकते, लेकिन पहले कर सकते हैं, इतनी गर्मी में नहीं करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट लर्निंग फॉर अस। सेकेंड, इस फेक नैरेटिव को लड़ने के लिए और एक और इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और एक चीज और है, वो भी मैं आपको अपफ्रंट बताता हूं। आज हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये देश की सीमाओं के बाहर से ये अटैक होंगे, हमें हमने हमने सोचा था, उसके इंजाम हमने कर लिए थे, नहीं हुआ। मैं टेक्निकली बता नहीं सकता क्या इंजाम किए थे, बट हमने इंजाम कर लिए थे, लेकिन अपने में ही हो गया। फिर आप कहेंगे कि फिर मैंने इस पर भी कुछ लिखा था, कहे तो मैं सुनाता हूं। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है, पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोली ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। कैसे हमने 17C बदल दिया, कहां डाटा बदल दिया, कौन सी मशीन में बदल दिया, कौन सा रोल खराब हो गया, कहीं तो एक जगह का नाम बताओ ना भाई। तो बात करेंगे फिर आगे। मंजूर है इल्जाम तो लगाओ, मगर शर्त इतनी कि साथ सबूत भी हो। गोया कोई तो बात है, हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं।